हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम महाकवि भास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। महाकवि भास। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। स्वप्न वासुदत्तम उनके द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास ने अपने नाटकों में भास का नाम लिया है। अब महाकवि भास थे, तो महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ नाटक है स्वप्न वासुदत्तम। महाकवि कालिदास ने भी अपने नाटकों में महाकवि भास का नाम लिया है। संस्कृत नाटककारों में भास का नाम बड़े सम्मान का विषय रहा है। अब संस्कृत नाटक थे उनमें भास का नाम, महाकवि भास का जो नाम है वो बड़े सम्मान का विषय रहा है। कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती और लोकप्रिय नाटककारों की चर्चा करते हुए सबसे पहले भास और बाद में सोमिल एवं कविपुत्र के नाम लिए हैं। तो कालिदास ने भी अपने पूर्ववर्ती और लोकप्रिय नाटककारों की चर्चा करते हुए सबसे पहले महाकवि भास और उसके बाद महाकवि सोमिल एवं कविपुत्र के नाम लिए थे और उन्हें यशस्वी नाटककार कहा है। स्वयं कालिदास ने भी महाकवि भास को सबसे प्रसिद्ध नाटककारों में माना है। बाणभट्ट वाक्यतिराज और जयदेव ने भी उनकी प्रशंसा की है। महाकवि कालिदास के अलावा बाणभट्ट वाक्यतिराज और जयदेव ने भी महाकवि भास की प्रशंसा की है। वामन की काव्यालंकार सूतवृत्ति और अभिनव गुप्त की अभिनव भारती, राजशेखर की काव्य मीमांसा से भास के नाटकों का अस्तित्व सूचित है। अब जैसे कि वामन की काव्यालंकार सूतवृत्ति है और अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और राजशेखर के काव्य मीमांसा से भास के नाटकों का अस्तित्व सूचित है। इनके नाटकों से भी भास का अस्तित्व बरकरार है। अवंती सुंदरी कथा में भी उनका नाम आया है। महाकवि भास के नाटकों की जो चर्चा है वो अवंती सुंदरी कथा में भी हुआ है। अतः निश्चित है कि संभवतः अश्वघोष के परवर्ती और कालिदास से पूर्ववर्ती नाटककार के रूप में भास अत्यंत लोक विशुद्ध कलाकार थे। अब महाकवि भास को जो है वो कालिदास से भी पूर्ववर्ती माना जाता है, इसलिए कालिदास ने अपने ग्रंथों में, अपने नाटकों में, अपने महाकाव्यों में महाकवि भास की प्रशंसा की है। उन्होंने स्वीकार किया है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि भास का स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनके नाटक बहुत प्रशंसनीय हैं। अब भास के नाटक देख लेते हैं। तो भास संस्कृत साहित्य के बड़े नाटककार के रूप में मान्य थे, परंतु उनके नाटक अप्राप्त थे। सन 1907 ईस्वी में मैटी गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में लिखे संस्कृत के 10 नाटक प्राप्त हुए। अब 1907 में गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में लिखित संस्कृत के 10 नाटक प्राप्त हुए, जो कि महाकवि भास द्वारा लिखित थे। लेकिन महाकवि भास के कितने नाटक थे ये है अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि महाकवि भास ने पता नहीं कितने नाटक लिखे थे, लेकिन 1907 में गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में महाकवि भास के 10 नाटक प्राप्त हुए। अब भास के जो प्रमुख नाटक हैं उनको देख लेते हैं। जितने नाटक भास के प्राप्त हुए हैं वो इस सूची में हैं। 1912 में त्रिवेंद्रम से गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित कराए गए 13 नाटक भासकृत माने जाते हैं। अब 1912 में त्रिवेंद्रम से गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित हैं, जो कि मलयालम लिपि में मिले थे, उनके महाकवि भास के 13 नाटक माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है स्वप्न वासुदत्ता, दूसरा है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, तीसरा है दरिद्र चारुदत्त, चौथा नाटक है अविमारक, पांचवा है प्रतिमा, छठवां है अभिषेक, सातवां है बालचरित्र, आठवां है पंचरात्र, नौवां है मध्यमाव्या योग, दसवां है दूतवाक्य, ग्यारहवां है दूत घटोत्कच, बारहवां है कर्णभार, तेरहवां है उरु भंग। उपयुक्त 13 नाटक महाकवि भास के माने जाते हैं।
जो कि मलयालम लिपि में मिलते हैं। जैसा कि हमने पहले वर्णन किया है कि भास संस्कृत साहित्य के बड़े नाटककारों के रूप में मान्य थे, परंतु उनके नाटक अप्राप्त थे। सन 1907 ईस्वी में मैमटी गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में लिखित संस्कृत के 10 नाटक प्राप्त हुए। ये नाटक कौन सी लिपि में थे? तो ये नाटक मलयालम लिपि में थे और महाकवि भास के नाटक थे वो अप्राप्त थे। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि महाकवि भास के कितने नाटक थे, लेकिन 1907 ईस्वी में गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में महाकवि भास के 10 नाटक प्राप्त हुए, जिनका उन्होंने 1912 में त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया था। अब 13 नाटक थे जो इस प्रकार थे महाकवि भास के, जिनमें सबसे विश्व प्रसिद्ध नाटक था उनका स्वप्नवासव दत्ता। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।